नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने आज 21 जून को एक दिन के लिए सभी स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। बता दें कि इन दिनों राज्य में गर्मी की छुट्टी चल रही है और 26 जून तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आदेश जारी कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून अर्थात आज सभी स्कूल को खोलने का आदेश दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का एक 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज 21 जून को अलीगढ़ जाएगा, जहां अलीगढ़ जनपद के ग्राम बहादुरगढ़ ही थाना अकबराबाद निवासी गौरव जाटव और नरोजाबाद निवासी और नौरंगाबाद छावनी थाना गांधी पार्क निवासी मुकेश जाटव की दबंग लोगों द्वारा की गई हत्या के विरोध में शोकाकुल परिवार के साथ मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने अफसरों और कर्मचारियों के लिए नई मीडिया गाइडलाइन बना दी है, जहां मीडिया में जिसको बोलना है उसे पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। नए आदेश में सोशल मीडिया के लिए भी नए नियम तय किए गए हैं। ये आदेश अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने जारी किया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। विजय सिन्हा ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव के सचिव रहे प्रीतम कुमार ने नीट पेपर केस के मास्टरमाइंड के लिए एनएचआई के गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था। दिल्ली नगर निगम ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए संपत्ति कर के एक मुश्त भुगतान पर बड़े छूट का ऐलान किया है। यह छूट 30 जून 2024 तक उपलब्ध है। दरअसल एमसीडी ने 30 जून से पहले वित्त वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर के एक मुश्त भुगतान पर 10% की छूट की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए एक बड़ी घोषणा की है, जहां पीएनबी ने कुछ बचत खातों को बंद करने का निर्णय लिया है। ये वो सेविंग अकाउंट होंगे जो पिछले 3 साल से निष्क्रिय हैं। इसमें वो खाते शामिल होंगे जिनमें लेन देन शून्य है। हरियाणा में भाजपा सरकार पर अल्पमत का आरोप लग रहा है, जहाँ कांग्रेस पार्टी ने बड़ा राजनीतिक उलटफेर का दावा किया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान सिंह भी शामिल थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जहां दुनिया में योग सिखाने का श्रेय भारत को जाता है। बता दें कि पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसी वर्ष 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनगर के डल झील के किनारे 7,000 से अधिक लोगों के साथ योग करेंगे। उसके बाद यहां से देशवासियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला भी रखेंगे। वह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजनाओं का भी शुभारम्भ करेंगे। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आज से 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रही है। यहाँ वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगी और कई एमओयू पर हस्ताक्षर भी कर सकती हैं। देश में हुए नीट यूजीसी पेपर लीक मामले के विरोध में आज से कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी और मोदी सरकार से परीक्षा को कैंसिल करने की मांग करेगी। दिल्ली में जल संकट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक ओर जहां लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर बूंद बूंद पानी के लिए भी दिल्लीवासी तरस रहे हैं। वहीं इसे लेकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रही है।
और केजरीवाल सरकार पर पानी को लेकर 10 साल में कुछ भी ना करने का आरोप लगा रही है। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर 21 जून तक दिल्ली वालों को पीने का पानी नहीं मिलता है तो वो सत्याग्रह शुरू करेंगी। अब ये समझ में नहीं आता है कि दिल्ली की वो मंत्री हैं, जल मंत्री हैं, और वो किसके खिलाफ सत्याग्रह करेंगी? क्या वे खुद के खिलाफ सत्याग्रह करने वाली हैं? क्योंकि दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जल बोर्ड की अध्यक्ष भी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी होते हैं। कुल मिलाकर ये कि बहाना बनाकर काम को दूसरे के सर पर डाल दो, ये केजरीवाल सरकार की शुरू से आदत रही है। पटना जिला परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव आज होना था, जिसे टाल दिया गया है। वहीं अब यह चुनाव 26 जून को होगा, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख को बढ़ाने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने कहा है कि उन्हें राजभवन में तैनात कोलकाता पुलिस की मौजूदा टुकड़ी की वजह से अपनी सुरक्षा को खतरा होने का अंदेशा है। उनका यह बयान पुलिस कर्मियों को राजभवन परिसर खाली करने का आदेश देने के कुछ दिनों बाद आया है। हालांकि वे अभी भी राजपाल भवन में ड्यूटी पर हैं। शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि सत्तारूढ़ दलों के विधायक जो इस चुनाव में मतदान करेंगे, उनकी अयोग्यता की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि अयोग्यता याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सत्तारूढ़ शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। गुजरात की जूनागढ़ लोकसभा सीट से तीसरी बार जीते बीजेपी सांसद राजेश चुडासमा एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। जहां चुडासमा ने तीसरी बार सांसद की शपथ लेने से पहले खुली धमकी दी है, चुडासमा ने कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से कहा है कि बीजेपी हिसाब करे या ना करे, लेकिन जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है अब उनका हिसाब मैं करूंगा। जहां जूनागढ़ से जीते बीजेपी सांसद का यह धमकी भरा वीडियो सुर्खियों में है। राजस्थान में 10 जुलाई को पेश होने वाली बजट से पहले प्रदेश सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मंथन कर रहे हैं। बैठक के बाद सीएम ने घोषणा की है कि राजस्थान में खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में बिजली की बेतहाशा मांग के बीच अब कम लोड पर एसी चलाने वालों की जेब पर लोड पड़ने वाला है। जहां उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जल्द ही बिजली मीटर की एमआरआई का अभियान शुरू करने जा रही है। इससे ये साफ हो जाएगा कि कितने किलोवाट के कनेक्शन पर कितनी एसी चलाई जा रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत हुए ऑनलाइन आवेदनों में से 144,308 को रद्द कर दिया है। जहां कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार कुल 58,366 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के क्रम में जिलों का विकल्प नहीं दिया था, इस कारण इनके आवेदन रद्द किए गए हैं। और इसी तरह 77,950 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया था। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एमएसपी में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना और किसानों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए सभी आवश्यक खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी देने से किसानों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के नाम एक और सफलता जुड़ने जा रही है, जहां एचआरटीसी ने लाहौल स्पीति के केंगल से कारगिल के लिए बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।